नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। पसईदार महानगर पालिका अंतर्गत आज एक बार फिर महानगर पालिका का बुलडोजर काफी गर्जा। दरअसल पसईदार महानगर पालिका प्रभाग समिति ड क्षेत्र में छोटी छोटी टपरियों पर आज तोड़क कार्यवाही हुई और इस कार्यवाही को लीड कर रहे थे प्रभाग समिति ड के सहायक आयुक्त मोहन संखे। आप तस्वीरों में विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से वहां क्षेत्र में लगने वाले अवैध हाथ गाड़ियां जो है उस पर कार्यवाही की जा रही है। न सिर्फ माल उठाया जा रहा है बल्कि उनको वहीं नष्ट किया जा रहा है। तो इस कार्यवाही से कहीं ना कहीं क्षेत्र में लोगों में, अवैध धंधा करने वालों में एक डर और खौफ जरूर पैदा होगा, लेकिन साथ ही साथ महानगर पालिका का जो रवैया है उस पर भी सवाल उठते हैं। महानगर पालिका ने इन छोटे दुकानदार, छोटे धंधों के ऊपर, इनको इल्लीगल बताकर इनके ऊपर कार्यवाही की कि ये लोग रास्ते के बीच में रास्ता जाम करते हैं, रास्ता अड़ाते हैं और यातायात को काफी तकलीफें होती, परेशानी होती। तो यातायात की परेशानी से निपटने के लिए इनके इन धंधे को उजाड़ा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शहर में कई हजार फुट बल्कि लाखों स्क्वायर फुट का अवैध निर्माण है। महानगर पालिका उसको देखकर भी अनदेखा कर देती है, अपनी आंखें मूंद लेती है। और यही सवाल मोहन संख्य से वहां एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन पर भी कार्यवाही होगी। अब देखा यह जाएगा कि प्रभारी जो सहायक आयुक्त है मोहन संख्य, वो अपनी बात पर कितने खरे उतरते हैं। तो आने वाले समय में जरूर हम भी नजर बनाए रखेंगे कि क्या इस तरह से वो जैसा बोल रहे हैं कि अवैध बांध काम, बड़ी बड़ी इमारतें जो अवैध बनाई गई है उस पर कार्यवाही करेंगे, तो क्या वाकई में महानगर पालिका के सहायक आयुक्त इस तरह की कार्यवाही आगे भी अंजाम देंगे, ये देखा जाएगा। देखिए इस कार्यवाही से जुड़ी कुछ तस्वीरें और विजुअल और सुनिए क्या कुछ कहना है सहायक आयुक्त मोहन सिंह का। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बड़ी तादाद में मनपा के डी प्रभाग अंतर्गत हाथ गाड़ी और अवैध स्टॉलों पर जो आज कार्रवाई की जा रही है उसका कारण क्या है? आने जाने के लिए पब्लिक को तकलीफ है, पूरा फुटपाथ पैक करके रखा है, शाम के टाइम पूरा जाम हो जाता है सर। और ऑनलाइन पे जो कंप्लेंट आ रही है कि लोगों को, इसके लिए वरिष्ठ का आदेश है और कार्रवाई करना भी चाहिए। कार्रवाई कब तक चलेगी? ये कंटिन्यू चलेगा। कुछ अवैध इमारतें भी है डी प्रभाग, कार्रवाई होगी, वो भी कार्रवाई चालू करेंगे थोड़े दिन के बाद। मेरे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।